या नाचना है क्या? मैं गाना बंद करो। हाँ जी बेटा, आप सभी को नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी बेटा, आप जानते हो कि एक चैप्टर चल रहा है हम लोगों का, जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग। और अगर उस चैप्टर की बात करें तो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी सगी बहनों, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर इस चैप्टर के कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, मनी क्या होता है, मनी के फंक्शंस क्या है, और हमने पढ़ा मनी सप्लाई के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मनी। बेटा इस वाली वीडियो में, इस वाले लेक्चर में बेटा हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है भाई। तो समय वेस्ट नहीं करते, ओके, शुरू करते टाइप्स ऑफ मनी को। देखो भाई, सबसे पहला बच्चों लिखा है मनी, फैट मनी। पहले समझेगी, देन लाइन बाय लाइन रीडिंग करवा दूंगा। मेरा कॉन्सेप्ट बोलता है कि पहले मैं समझाऊंगा, देन मैं रीडिंग कराऊंगा, ठीक है भाई। देखो बड़ा, वो मनी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से इश्यू हुआ है, एक मिनट, क्या बोला मैंने? वो मनी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से इश्यू हुआ है बच्चे, उसको बोलते हैं फैट मनी। और गवर्नमेंट के ऑर्डर से केवल 2 ही मनी इशू होते हैं, 2 मनी बोले तो। पहला मनी नोट, जितने भी नोट है, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, तो जितने भी नोट है जिनको गवर्नमेंट इशू करती है, 1000 का नहीं करती लेकिन एक टाइम पे करती थी, तो जितने भी नोट है जिनको गवर्नमेंट इशू करती है बेटा, याद रखना वो सभी नोट क्या कहलाएंगे जी? उनको बोलते फैट मनी। तो फैट मनी वो मनी होते हैं जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से इश्यू होती है, जिनको गवर्नमेंट जारी करती है। जबकि दूसरी ओर गवर्नमेंट इन नोट के अलावा एक और करेंसी इश्यू करती है, जिसको बोलते हैं सिक्के, कॉइन्स। जितने भी कॉइन्स है, 1 का 2 का 5 का 10 का, जितने भी कॉइन्स है बेटा, ये सभी कॉइन्स भी गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू होते हैं। तो वो मनी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू हो या जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू हो बेटा, उसको बोलते हैं फैट मनी, ठीक है। याद रखना, इस मनी को गवर्नमेंट ने इशू करा है, इस मनी को सरकार ने जारी किया है, इसीलिए अगर कोई भी पर्सन इस मनी को लेने से मना करता है, अगर कोई भी पर्सन इस मनी को एक्सेप्ट करने से मना करता है कि नहीं जी नहीं, मैं 200 का नोट नहीं लूंगा, मैं 500 का नोट नहीं लूंगा जी, मैं 10 का सिक्का नहीं लूंगा, तो याद रखना बेटा, याद रखना कि अगर आप गवर्नमेंट के मनी को मना कर रहे हो, इट मींस आप गवर्नमेंट के अपमान कर रहे हो, आप गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई नोट को मना कर रहे हो, उनके द्वारा जारी किए गए सिक्के को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हो। हाँ, अगर नकली है तो मना कर सकते हो, लेकिन अगर असली है और आप फिर भी जानबूझ के मना कर रहे हो, तो बड़ा याद रखना, ऐसे केस में आपको जेल भी हो सकती है। यस, हाँ, जेल। तो बड़ा याद रखना कि अगर आप गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इश्यू किए गए मनी को एक्सेप्ट करने से मना करते हो, अगर आप बोलते हो कि भाई मेरे को 200 का नोट ना अच्छा नहीं लगता, उसका रंग बहुत बेकार है, तो बेटा याद रखना, रंग कैसा भी हो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो कि नहीं नहीं 10 का सिक्का ना मेरे को मजा नहीं आता, 10 के सिक्के में किक नहीं मिलती, सलमान भाई किक देते हैं ना, कि 10 के सिक्के में किक नहीं मिलती, तो बेटा याद रखना, आपको तब भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ऊपर केस हो सकता है, ठीक है। कुछ टाइम पहले 1 रुपए का छोटा वाला सिक्का, यस, कुछ टाइम पहले बच्चों 1 रुपए के छोटे वाले सिक्के को भी लोग लेने से मना कर रहे थे कि 1 रुपए का छोटा सिक्का नकली है, मतलब अफवाह फैल गई हवा हवा में, जो अफवाह फैल गई कि 1 रुपए का छोटा वाला सिक्का नकली होता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब गवर्नमेंट तक ये बात पहुंची तो गवर्नमेंट ने इशू कर दिया कि अगर आप 1 रुपए के सिक्के को एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको जेल हो सकती है। तो यहां पे मैंने न्यूज़पेपर ही कटिंग लगाई है, न्यूज़पेपर में भी आया था कि 1 रुपए के सिक्के को एक्सेप्ट नहीं करते, अगर आप 1 रुपए के सिक्के को मना करते हो तो आपको जेल हो सकती है। इसका मतलब यही साफ साफ है कि भाई गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किए गए मनी को अगर आप एक्सेप्ट करने से, अगर आप उनको लेने से मना करते हो, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। तो गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किए गए मनी को बच्चों क्या बोलते हैं? फियाट मनी बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं आदेश मुद्रा,
ठीक है भाई, तो पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन क्या लिखा है। तो यहां पे लिखा है इट इज द मनी इश्यूड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ये वो मनी है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से, बेटा फोकस करो, गवर्नमेंट के ऑर्डर से इश्यू होता है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें नोट शामिल है, इसमें कॉइन शामिल है, ठीक है ना, जितने भी नोट्स गवर्नमेंट छापती है वो, जितने भी कॉइन्स गवर्नमेंट इशू करती है वो शामिल है। विच द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट, और उस देश के लोगों, पीपल इन अ कंट्री, उस देश में लोगों को आर लीगली बाउंड, कानूनी रूप से बाउंड, बेटा बाउंड मीन्स बाध्य है कि भैया हमको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बंधे हुए है टू एक्सेप्ट, कि हमको तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कुछ भी एक्सचेंज करना हो, कुछ भी खरीदना बेचना हो, तो गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किया गया नोट को, सिक्कों को हमको मानना पड़ेगा। अगर हम उसको एक्सेप्ट करने से मना करते हैं तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है कि आप इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, रीजन दो। ठीक है ना, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को 200 का नोट गवर्नमेंट द्वारा पसंद नहीं है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मेरे को 2000 का नोट पसंद नहीं है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर नोट बिल्कुल सही है, नोट बिल्कुल असली है, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, फैट मनी, आदेश मुद्रा, जो कि सरकार के आदेश से चलती है। इसमें नोट और सिक्के सम्मिलित होते हैं जो कि विनिमय के माध्यम से कानूनी रूप से स्वीकार, कानूनी रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। ये तो बच्चों हो गया हमारा क्या, पहला फियाट मनी। ओके जी, समझ में आ गया जी। तो गवर्नमेंट जो बोले वो करने का, गवर्नमेंट ने बोला नोट एक्सेप्ट करने का, तो एक्सेप्ट करने का, मना नहीं कर सकते। अगर मना करोगे तो भैया गवर्नमेंट आपको रैप्टा भी मार सकती है। अगर मना करोगे तो गवर्नमेंट आपको रैप्टा भी, थप्पड़ भी मार सकती है। इट मीन्स क्या, गवर्नमेंट जो है आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। दूसरा फिड्यूशरी मनी क्या होता है, दूसरा भैया इसको बोलते हैं हम लोग न्यास मुद्रा, लिख लो, हिंदी में लिखना भूल गया मैं, बेटा इसको हम लोग बोलते हैं न्यास मुद्रा। अब ये न्यास मुद्रा क्या होता है, फिड्यूशरी मनी क्या होता है, देखो भैया फिड्यूशरी मनी वो होता है जब देर आर टू पर्सन, पर्सन ए और पर्सन बी, जब दो बंदे हैं, टू पर्सन है, और दोनों का आपस में ट्रस्ट है, दोनों का आपस में ट्रस्ट, दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ट्रस्ट मींस कि मैं आपको जानता हूं, कि मैं आपको जानता हूं, और मतलब सुनो मैं आपको जानता हूं और आप मुझे जानते हो। कि जब दो पर्सन के बीच ट्रस्ट है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, कि दोनों एक दूसरे के दोस्त है या फिर कस्टमर और वो शॉपकीपर है, आपस में जानते हैं। तो ऐसे वाले केस में ना, ऐसे वाले केस में जब हम डील करते हैं, सामान खरीदते बेचते डील करते हैं, तो उस वाले केस में कभी कभी हम कैश के अलावा हम चेक भी दे देते हैं कि यार आज ना मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैंने सामान लिया इससे, कि यार आज ना मेरे पास चेक कैश नहीं है, एक काम कर तू चेक ले ले। अब सामने वाला पर्सन को जानता है अच्छे से, तो चेक ले लेगा। लेकिन खुद सोचो, जस्ट इमेजिन, खुद इमेजिन करो कि आप दुकानदार हो, भैया मान लो ये रहा कि मैं दुकानदार हूं, अब मैं सामने वाले पर्सन को जानता ही नहीं हूं, और वो मेरी शॉप पे आया और मेरी शॉप पे आकर बोलता है, वो मेरी शॉप पे आया और मेरी शॉप पे आके बोलता है कि सर मेरे को टीवी चाहिए। मैं ऑफ कोर्स सर, उनने मुझसे टीवी लिया, बट बोला कि सर मैं चेक दूंगा। अब एक बात बताओ यार, मैं उस पर्सन को जानता नहीं, अगर मैं उससे चेक ले लूंगा, उनने चेक काट के दिया, वो मेरी इच्छा है चेक लू या ना लू, लेकिन बाई चांस मान लो अगर मैंने उससे चेक अगर उससे मैंने चेक ले लिया, और भाई अभी तो है नहीं कि तुरंत ही चेक जो है क्लियर हो जाएगा कि भाई इसमें 2 लाख रुपए लिखे है, तो है नहीं तुरंत कि मुझे चल जाएगा पता 2 लाख रुपए नहीं लिखे नहीं लिखे उसके अकाउंट में पड़े नहीं पड़े। अब मैं चेक लूंगा, अब जब मैं कल बैंक जाऊंगा तब बैंक में उसको डालूंगा, 2 दिन बाद ये क्लियर होगा, तब जाके चलेगा पता कि मेरे अकाउंट के अंदर पैसा आया नहीं आया। अब बाई चांस मान लो इसने मेरे को चेक दिया, मैंने चेक ले लिया, लेकिन जब मैंने इसको चेक को बैंक में लेकर गया और 3 दिन बाद चला पता कि इसके तो अकाउंट में पैसा ही नहीं है और चेक बाउंस हो गया, इसको बोलते चेक को बाउंस हो जाना कि आपने चेक बैंक में डाला लेकिन जिस पर्सन से पैसा आना था वो पैसा उस अकाउंट में नहीं डाला, तो आपका आपको चेक वापसी मिल जाएगा। वापसी मिलना मीन्स चेक का बाउंस बैक होना, बाउंस मीन्स चेक का चल के वापसी आपके पास आ जाना। तो चेक तो बाउंस हो गया, अब भाई इसको मैं कहां ढूंढू, मैं जानता भी नहीं इसको, सर घर कहां पे है, जो ने अपना एड्रेस लिखवाया था एड्रेस सारा गलत है, अब क्या करूं मैं। तो उस वाले केस में तो गया ना,
मैं क्यों गया? मैं इसीलिए गया क्योंकि उसको मैं नहीं जानता था। अगर मैं उसको जानता होता तो उसके मैं घर पहुंच जाता, अगर जानता होता तो उसको मैं कॉल करता, लेकिन जान ना पहचान मैंने चेक ले लिया और इसे फंस गया मैं। तो हम तो बताओ, क्या आप भी किसी अननोन पर्सन से चेक लेते हो क्या? नहीं, हम चेक केवल उसी पर्सन से लेते हैं जिसको हम लोग जानते हैं। तो अगर मैं सामने वाले पर्सन को जानता हूं और वो पर्सन मेरे को जानता है, और फिर अगर मैं उससे चेक की अदला बदली करूं, तो मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इसी ट्रस्ट पे कर रहा हूं, इसी बेस पे कर रहा हूं, क्योंकि उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, मेरे को उसके ऊपर ट्रस्ट है यार, कि भाई जानने वाला बंदा यार, ये नहीं करेगा ऐसा। तो हम दोनों के बीच ट्रस्ट है, तो इस ट्रस्ट के बीच जो कैश है वो कैश नहीं आया, उस चेक ने काम करा कैश का, कैश नहीं है लेकिन चेक ने काम कैश का ही करा, कि उसने मेरे को पेमेंट दी चेक में, सामने वाले पर्सन ने मेरे को पेमेंट दी चेक में, कैश नहीं दिया, मैंने पेमेंट ले ली कि चलो पैसा आ गया, लेकिन एक्चुअल में पैसा नहीं आया, सिर्फ अभी कैश वैश नहीं, अभी सिर्फ चेक आया। चेक मैंने क्यों लिया? क्योंकि मेरे को उसके ऊपर ट्रस्ट है। तो ऐसा चीज, ऐसी चीज जो एक पेयर, पेयर मीन्स पे करने वाला और एक पेई, पेमेंट लेने वाला, तो जो चीज पेयर और पेई के बीच ट्रस्ट पर बेस है, कि एक्चुअल में चेक वास्तव में कैश नहीं है, लेकिन चेक चलता किस बेस पर? ट्रस्ट के बेस पर, कि मैं उसको जानता हूं, वो मेरे को जानता है, तो मैं चेक की अदला बदली कर ली कि कल को अगर चेक में पैसा नहीं मिला तो उसको मैं जानता हूं, वो उससे घर चला जाऊंगा, उससे बात कर लूंगा, या वो पैसा डलवा देगा, लेकिन जिसको मैं नहीं जानता उससे मैं चेक नहीं लूंगा। तो ऐसा मनी जो एक पेयर, पे करने वाला और पे, पेमेंट लेने वाला, इनके बीच एक ट्रस्ट पर आधारित हो, एक रुक जाओ, इनके बीच एक ट्रस्ट पर आधारित हो, एक विश्वास पर आधारित हो, तो बड़ा याद रखना, ऐसे मनी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिड्यूशरी मनी बोलते हैं। फिड्यूशरी मनी इज द मनी विच इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। कि फिड्यूशरी मनी वो मनी है जो कि पेयर और पेई के बीच, जो कि पेयर और पेई के बीच एक ट्रस्ट पर आधारित होता है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब मैं सामने भाई बहनों को, लड़की है सामने, ठीक है, अब भाई उनने पेमेंट करी, अब उसको जानता तो हूं नहीं मैं, उसको मैं नहीं जानता, लेकिन वो बोल रही है कि मेरे को ना मोबाइल चाहिए, कि मेरे को ना एप्पल का मोबाइल खरीदना है, मैं खरीदो जी, लेकिन मैं ना कैश लेके नहीं आई, यहां खड़ी है, लेकिन मैं ना कैश लेके नहीं आई, मैं फिर पेमेंट एटीए वो कार्ड से कर दो, मेरे पास कार्ड भी नहीं है, मेरे पास ना चेक है। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं सोचूंगा कि भैया इसको जानता तो हूं नहीं, मैं चेक कैसे लूं? अब वो बुला रही है कि पेमेंट लो, पेमेंट लो, लेकिन मेरे माइंड में क्या आएगा? बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो अभी भी बुला रही है कि चेक से पेमेंट ले लो ना, क्योंकि मेरे, अब मैं उसको जानता नहीं हूं भाई, खुद सोचो ना, इमेजिन यार, उसको जानता नहीं हूं, कल को पैसे लेके भाग गई, तो मोबाइल लेके भाग गई मीन्स कल को चेक दी, चेक बाउंस हो गया, तो बार बार बुला रही है, लेकिन जाने का नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे बीच कोई ट्रस्ट नहीं है, मैं उसको नहीं जानता, हमारे बीच पेयर और पेई के बीच कोई भी ट्रस्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो बुलाएगी, वो बार बार बुलाएगी, लेकिन जाने का मैं आ गया। तो इसको बोलते हैं फिड्यूशरी मनी। आओ इसको रीड करें। इट इज द मनी, ये वो मनी है विच इज यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि इसको भी एक्सचेंज के रूप में, यस, बहुत सारे लोग अदला बदली के लिए, सामान खरीदने बेचने के लिए चेक का यूज करते हैं, लेकिन वो तभी करते हैं क्योंकि उसमें क्या है, उनके बीच एक ट्रस्ट है, उनके बीच एक विश्वास है, पेयर पे करने वाला और पे खरीदने वाला, इनके बीच एक विश्वास है, जिसके बेस पे वो जो चेक को भी, जो आपका चेक है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, आप जानते हो, आपने पढ़ा 11 के अंदर कि चेक को या बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? बिकॉज उनके बीच क्या है, ट्रस्ट है, पेयर और पेई के बीच। अगर ट्रस्ट नहीं होता, जान पहचान नहीं होती, तो हम क्या बोलते, तभी हमको तो गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किए गए नोट दो, कॉइन दो, हमको नहीं पता चेक पर क्या होता है, ठीक है ना। तो जो मनी एक ट्रस्ट के बेस पर, पेयर और पेई के बीच ट्रस्ट है, उसके बेस पर एक्सेप्ट किया जाए, उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया फिड्यूशरी मनी। ठीक है भाई, जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए। बेटा बढ़ता हूं मैं अगले कंसेप्ट की ओर, अगले टाइप की ओर। हाँ जी बेटा, तो आप लोगों ने नोट किया होगा पिछला वाला, और ये अब आपके सामने नया हाजिर है। ठीक है भाई,
तो बेटा अब तक हम दो टाइप पढ़ चुके हैं और बेटा ये हमारा तीसरा टाइप, जिसमें कि बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फुल बॉडीड मनी क्या होता है, जिसको बच्चों हिंदी में बोलते हैं पूर्ण कार्य मुद्रा या फिर संपूर्ण मूर्तिमान मुद्रा, ठीक है जी। और फिर बच्चों हम पढ़ोगे क्रेडिट मनी क्या होता है, बोले तो साख मुद्रा क्या होती है। ये दो पढ़ते हैं फिर भैया आगे बढ़ेंगे। देखो भाई फुल बॉडीड मनी क्या होता है, वही पहले समझाऊंगा देन रीडिंग कराऊंगा। देखो भाई बेटा मान लो कि मेरे पास जो है यस बेटा ये मान लो मेरे पास है 2 रुपए का कॉइन है, ठीक है बेटा मेरे पास ध्यान से देखो दिख रहा है क्या बेटा, मेरे पास है 2 रुपए का कॉइन है, ठीक है 2 रुपए का कॉइन है। अब सुनो बेटा इस पे लिखा है 2 रुपए 2 रुपीज, तो इस कॉइन के ऊपर, इस कॉइन के ऊपर लिखा है 2 रुपीज, तो बेटा जो भी अमाउंट सिक्के के ऊपर लिखा है, जो भी अमाउंट सिक्के के ऊपर लिखा है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। बेटा क्या बोलते हैं उसको, फेस वैल्यू हिंदी में अंकित मूल्य, अंकित मीन्स जो सिक्के पर अंकित है, अंकित मीन्स छपा हुआ, जो सिक्के पर छपा हुआ है, जो सिक्के पर अंकित है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, या फिर बच्चों में इसको मनी वैल्यू भी बोल दो लिखा है, फेस वैल्यू मनी वैल्यू हम इसको मनी वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो जो अमाउंट सिक्के के ऊपर लिखा है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, अंकित मूल्य या फिर मनी मूल्य मौद्रिक मूल्य, ठीक। अच्छा जी अब एक बात बताओ कि सिक्का हवा में से आया, नहीं ना ऐसे हवा से आया होगा ना ऐसे, क्या ये सिक्का हवा में से आया जी, नहीं जी नहीं, ये सिक्का हवा में से नहीं आया। तो जी सुनो जो सिक्का है ना ये बनाया गया है, ये बना है, और जब बना है तो कुछ इसकी कॉस्ट भी आई होगी, कुछ इसकी कॉस्ट भी आई होगी। तो भाई अब सुनो बात को बहुत ध्यान से, जो सिक्का जिस पे कितना लिखा है 2 रुपए लिखा है इसको बोलते हैं फेस वैल्यू मनी वैल्यू, और जितने का ये बना है, बना कैसे भाई, इसमें लगा है मेटल, इसमें क्या लगा है जी धातु लगी है मेटल, तो जितने का मेटल लगा हुआ है, अभी तो है नहीं कि 2 रुपए का सिक्का है तो 2 रुपए का मेटल लगा हुआ होगा, नहीं जितने का मेटल लगा है, आप एक काम करो मान लोहे का है, कितना का है किसका है लोहे का है मान लो, और बेटा मान लो 10 ग्राम का है, तो एक काम करो इस 10 ग्राम के सिक्के के रेट पता कर लो कि 10 ग्राम लोहा मार्केट में कितने का है, आपको चल जाएगा पता कि इसमें कितने का लगा है मेटल, भाई ऐसे तो चलेगा पता कि मान लो लोहे का सिक्का है और 10 ग्राम का है, तो मार्केट में 10 ग्राम के लोहे के रेट पता कर लो और बेटा चक्के चल जाएगा पता कि इतने रुपए का मेटल के अंदर लगा हुआ है। तो सिंपल सी बात यार ये है कि जो उस पर लिखा है एक तो होता है फेस वैल्यू मनी वैल्यू, और जितने का इसके अंदर मेटल लगा है, जितने का इसके अंदर धातु लगा है उसको बच्चों बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू बेटा हिंदी में काफी इजी नाम है आंतरिक मूल्य, आंतरिक मीन्स जो उसके अंदर लगा हुआ है, अंदर मीन्स जितने का के अंदर मेटल लगा हुआ है, तो एक होता है फेस वैल्यू मनी वैल्यू और एक होता है इंट्रिंसिक मूल्य, जिसको हम कुछ क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आंतरिक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू, या फिर हम इसको कॉमोडिटी वैल्यू, जितने की ये कॉमोडिटी है, अगर इसको वस्तु मानू तो जितने की ये कॉमोडिटी है, जितने का ये मेटल है वो वैल्यू। तो बेटा मान लो कि जो भी है, मान लो कि इसके अंदर मेटल, अगर मैंने इसको पिघलाया मीन्स इतने का ही मेटल बेटा मार्केट के अंदर पता करा मैंने, तो वो भी 2 रुपए का है। अब सुनो बात को बहुत ध्यान से बेटा समझना बात को, इसके ऊपर लिखा भी 2 रुपए, अब सुनो बहुत ध्यान से, इसके ऊपर लिखा भी 2 रुपए और इसके अंदर मेटल भी 2 रुपए का ही लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा भी 2 रुपए है और इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इट मींस कितने का मेटल लगा, मेटल भी 2 रुपए का लगा हुआ है, तो जब फेस वैल्यू जितना उसके ऊपर लिखा है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कॉमोडिटी वैल्यू जितने का उसके अंदर मेटल लगा, जब दोनों ही दूसरे के बराबर हो, इट मींस इस पे लिखा भी 2 रुपए है और वास्तव में एक्चुअल में इसके अंदर मेटल भी धातु भी 2 रुपए की लगी है, तो बेटा उसको बोलते हैं हम लोग फुल बॉडीड मनी पूर्ण कार्य मुद्रा, अर्थात जो फुल बॉडीड मनी का मतलब जिसकी फुल बॉडी है, जितनी मनी वैल्यू है उसी के बराबर है, कि 2 रुपए का सिक्का है तो एक्चुअल में इसके अंदर मेटल भी 2 रुपए का है, फिर ऐसे बोल लो कि सिक्का 2 रुपए का और बना भी 2 रुपए का, आप एक काम करो ना आपको इजी लैंग्वेज में आप उसको बोल लो कॉस्ट,
आप इसे कॉस्ट बोल लो, इजी लैंग्वेज में आप इसे कॉस्ट बोल लो कि उस पर कितना रुपए लिखा है और उसकी कॉस्ट कितनी है। तो जितनी कॉस्ट है वो और जितने का जितने उसके ऊपर लिखा है अगर बराबर है तो उसको बोलूंगा फुल बॉडीड मनी, लेकिन कॉस्ट वर्ड का यूज मत करना एग्जाम में। एग्जाम में यूज करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर कॉमोडिटी वैल्यू। हिंदी में बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू को बोलते हैं आंतरिक मूल्य। आप कॉस्ट वर्ड का यूज मत करो, कॉस्ट सिर्फ समझने के लिए समझो, ठीक है ना, समझने के लिए इसका प्रयोग करो कि जितना इसके ऊपर लिखा है एक तो वो, और जितने का मेटल इसके अंदर लगा हुआ है एक तो वो, अगर दोनों बराबर है उसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। रीडिंग करते हैं, एनी यूनिट ऑफ मनी, मनी की कोई भी ऐसी इकाई जिसकी फेस वैल्यू या मनी वैल्यू, मतलब जितना इसके ऊपर लिखा हुआ है, और इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर कॉमोडिटी वैल्यू अर्थात जितने का वो बना है, जितने का उसके अंदर मेटल लगा है, आर इक्वल, अगर एक दूसरे के बराबर है तो उसको क्या बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। इसको बच्चों बोलते हैं पूर्ण कार्य मुद्रा या संपूर्ण मूर्तिमान मुद्रा, जहां पर मनी वैल्यू जो मौद्रिक मूल्य है दो रुपए लिखा है उसके ऊपर किसके बराबर हो, कॉमोडिटी वैल्यू उसके अंदर का मूल्य जितना उसके अंदर धातु लगा, इंट्रिंसिक वैल्यू आंतरिक मूल्य। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हो तो उसको बोलते हैं बच्चों क्या, फुल बॉडीड मनी, पूर्ण कार्य मुद्रा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अब भैया मान लो कि फेस वैल्यू दो रुपए, उस पर लिखा दो रुपए है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर मेटल लगा है एक रुपए का, कि धातु उसके अंदर एक रुपए का लगा है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि उसकी कॉस्ट एक रुपए आई है, इस सिक्के के अंदर जो धातु है जो मेटल है वो एक रुपए का है, लेकिन बना के लेकिन इस पर कितने रुपए लिखा है, दो रुपए लिखा है। भाई लिख तो कुछ भी दो, लिखने को तो उस पर पांच छाप दो, मशीन तो छाप देगी, तो लिखने को पांच लिख दो, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि इसके अंदर धातु भी मेटल भी पांच रुपए का लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। तो जितना फेस वैल्यू है वो ज्यादा है, लेकिन इस बार इसके अंदर लगी हुई मेटल कम है, कितने रुपए का है जी, एक रुपए का। तो ऐसे वाले केस में जब फेस वैल्यू ज्यादा हो कि उस पर लिखा हुआ है ज्यादा, लेकिन उसके अंदर जो मेटल लगा है, उसके अंदर जो धातु लगी है, जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है आंतरिक मूल्य, वो कम है, तो बच्चों उसे क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट मनी, उसको बच्चों बोलते हैं साख मुद्रा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है भैया, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है पक्का, देख लो दोबारा पूछ लो, ठीक है भाई। तो भाई सिंपल सी बात है कि जब फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल हो तो फुल बॉडीड मनी, लेकिन इस बार मनी वैल्यू ज्यादा, मनी वैल्यू मीन्स वही फेस वैल्यू, मनी वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू कि उस पर लिखा है इस बार दो रुपए है, लेकिन वास्तव में जो कॉमोडिटी वैल्यू मीन्स इंट्रिंसिक वैल्यू उसका आंतरिक मूल्य है वो बना एक रुपए का है, तो इस वाले केस में उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी बोलते हैं, साख मुद्रा बोलते हैं। अगर रीडिंग करूं तो क्रेडिट मनी रेफर्स टू द मनी, इसमें वो मनी आता है whose intrinsic value, जिसकी जो intrinsic value, अंदर का मूल्य, आंतरिक मूल्य कितने का बना, वो क्या होती है, lower than, कम होती है इसकी face value जो उसके ऊपर छपा हुआ है, उससे उस वाले मनी क्या बोलते हैं, क्रेडिट मनी। इसमें कॉइन्स आते हैं, नोट, अभी नोट तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि देखो ये है 500 का नोट, अब खुद इमेजिन करो यार, देखो 500 का ये, ठीक है ये बच्चों 500 का नोट, अब भैया खुद इमेजिन करो यार, एक बार देखो क्या वास्तव में इतना कागज का टुकड़ा, मान लो ये जो है ये भी काफी बड़ा हो गया, मेरे पास पेपर है ये भी काफी बड़ा हो गया, और इस पेपर की कॉस्ट होगी 25 पैसे के आसपास। अब मान लो ये भी पेपर हो गया, तो एक तरफ ये पेपर है, एक तरफ नोट है, दोनों का साइज लगभग बराबर ही है, देखो दोनों का साइज लगभग बराबर है, तो खुद इमेजिन करो क्या इतना कागज का टुकड़ा, इतना पेपर 500 का होगा, नहीं 25 पैसे का होगा यार, चलो हद से एक रुपया मान लो, इजीनेस के लिए समझने के लिए हटाओ पैसे वैसे, एक रुपया। अब ये एक रुपये का पेपर है, लेकिन इस पर लिखा कितना है जी, इस पर लिखा है देखो 500 रुपये, ये लिखा 500 रुपये। अब एक रुपए का पेपर है तो इसको क्या बोलूंगा, जो जितने का पेपर लगा, अबे भाई जितने का पेपर लगा वो, तो ये पेपर लगा एक रुपए का, उसको बोलूंगा इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर कॉमोडिटी वैल्यू आंतरिक मूल्य, लेकिन इस पे लिखा कितना है, इस पे कितना लिखा है जी, इस पे लिखा है 500, ये उसकी फेस वैल्यू। अब खुद देखो यार कि भैया फेस वैल्यू पे लिख रखा है 500, वाह जी वाह 500 का नोट, लेकिन कितने का मेटल है, मेटल मीन्स कितने का पेपर लगा, कितने का बना है, एक रुपए का। तो ऐसे वाले केस में
इसको किस कैटेगरी में शामिल करूंगा, जे या जो? भैया जो में शामिल करूंगा। जे में तो तब आएगा जब पेपर भी 500 का होता, कि इतना कागज का टुकड़ा भी 500 का होता और उस पर लिखा भी 500 का, तो बोलता जे। लेकिन जे नहीं होगा, क्या होगा कि भैया जे में आएगा। जे में क्यों आएगा? जे में इसलिए आएगा क्योंकि लिखा कितना है 500, फेस वैल्यू ज्यादा। कितने का पेपर लगा है, कितने की इंट्रेंसिक वैल्यू कितने की है, कितने का बना? 500 थोड़ी बना होगा यार, बना होगा 10-20 रुपए का। भाई चलो मान लो ना, छापाई वाईफाई करी, 10-20 रुपए का बना होगा मान लो, तो ये थोड़ी कि 500 का बना होगा। तो भैया कितने का बना? कम का बना। तो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू काफी कम है, कॉमोडिटी वैल्यू काफी कम है, लेकिन फेस वैल्यू काफी ज्यादा है। इसको क्या बोलूंगा जी? इसको बोलूंगा क्रेडिट मनी। समझ में आ गया? अब तो आ गया होगा 500 रुपए देख के, है ना? तुम तो बोल लो भैया बारिश करवा दो पैसों की, है ना? बारिश करवा दो पैसों की। सुनो अभी करवाऊंगा बारिश, रुक जाओ। तो भाई सुनो, क्रेडिट मनी में तो आपका हो गया, और एग्जांपल दो चेक। अभी चेक जो चेक बुक होती है घर पे आती है, एक चेक बुक बच्चों ब्लैंक होती है। ब्लैंक में उस पर लिखा होता नहीं है ना कि भाई मान लो, देखना बच्चों यहां पे, बट ये है चेक, ये चेक ब्लैंक है। इट इज अ जस्ट ए कागज का टुकड़ा, सोना सोना मुखड़ा। इट इज जस्ट ए कागज का टुकड़ा, सिर्फ कागज का टुकड़ा है। अगर मैं इस चेक पे लिख दूं 2,00,000 और अपने में साइन कर दूं, अब बताओ इस कागज के टुकड़े की वैल्यू कितनी हो गई? 2,00,000। कि भाई साहब इसको बैंक में लेके जाऊंगा 2,00,000 रुपए मिल जाएंगे। अब खुद इमेजिन करो, क्या ये इतना सा कागज का टुकड़ा 2,00,000 रुपए का था? नहीं जी, 1 रुपए का होगा बस हद से हद। लेकिन उस पर 2,00,000 रुपए लिख दिए, तो उसकी फेस वैल्यू क्या हो गई? 2,00,000। अब देखो 2,00,000 फेस वैल्यू है, और इसकी वास्तव में एक्चुअल वैल्यू कितनी है कि 1 रुपए की वैल्यू भी नहीं है इसकी। तो इतना कागज का टुकड़ा 1 रुपए का भी नहीं है, लेकिन लिख कितना दिया? 2,00,000। तो वही फेस वैल्यू ज्यादा, इंट्रिंसिक वैल्यू कम। बेटा क्या बोलूंगा उसको? क्रेडिट मनी। तो उसमें क्या लिखा है? 7 मुद्रा से अभिप्राय, उस मुद्रा से होता है जिसका आंतरिक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कहीं कम होता है। आंतरिक मूल्य काफी ज्यादा है, सॉरी कम है, अंकित मूल्य उस पर छपा हुआ ज्यादा है, उसको क्या बोलते हैं? 7 मुद्रा। जिसका मौद्रिक मूल्य वही मीन्स फेस वैल्यू, उसका जो अंकित मूल्य होता है वो ज्यादा किसके? वस्तु के मूल्य से। वस्तु के मूल्य में जितना का वो बना। इसमें सांकेतिक सिक्के, सांकेतिक सिक्के मीन्स वही आपके नॉर्मल कॉइन्स, इनको टोकन कॉइन्स बोल लो, इनको टोकन कॉइन्स बोल लो या इनको नॉर्मल कॉइन्स बोल लो, बात एक ही है। इसमें आपके टोकन कॉइन्स आते हैं, इसमें आपके करेंसी नोट 200 500 1000 नोट के आते हैं, इसमें आपका चेक आता है, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी या फिर क्रेडिट मनी। चलिए बच्चों इसको नोट कीजिए। बेटा बढ़ते हैं आगे की ओर, अगले टाइप्स की ओर। ठीक है भाई, जल्दी से इसको नोट करो। कैमरा ऑन है, ओके। चलिए बेटा बढ़ते हम लोग अपना टाइप की ओर। बैंक मनी और नियर मनी, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6। व्हाट इज बैंक मनी? बैंक मनी क्या होता है? सुनो भाई, वो मनी, वो पैसा जो आपने अपने बैंकों में जमा करवा रखा है और आप उन्हें जब चाहो तब निकाल सकते हो। आप जानते हो कि बैंकों में कुछ ऐसा पैसा भी होता है जो हमने जमा करवा रखा है और हम जब चाहे तब उसको निकाल सकते हैं। तो बेटा याद रखना, ऐसे मनी को बोलते हैं बैंक मनी। सिंपल पैसा, सॉरी सिंपल सा कंसेप्ट है कि बैंक मनी रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट। बैंक मनी रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, जिसको कमर्शियल बैंक द्वारा क्रिएट किया जाता है। सिंपल यार, हमारा पैसा जमा कहां पे होता है? कमर्शियल बैंक में। अरे सर जी कमर्शियल बैंक क्या होता है? बताऊंगा, आगे आएगा अगली वीडियो में। बैंकिंग ही शुरू करूंगा और बैंकिंग की शुरुआत कमर्शियल बैंकिंग से ही करूंगा, ठीक है ना? कमर्शियल बैंक आप समझ लो अपने नॉर्मल बैंक जो होते हैं, SBI, PNB, HDFC, नॉर्मल लेना बैंक, देना बैंक, कुत्ता बैंक, बिल्ली बैंक, खुद जो नॉर्मल अपने बैंक होते हैं, ठीक है? तो हम बैंकों में अपने जो भी डिमांड डिपॉजिट करते हैं
उसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बैंक मनी। सिंपल सी बात है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब वो पैसा जिसको जब मन करेगा तब निकाल लूंगा, बैंक में जाऊंगा, नॉक नॉक करूंगा और पैसा मांग लूंगा, बैंक वाला पैसा दे देगा, उसको भैया क्या बोला गया है, बैंक मनी। एक होता है नियर मनी। अब सुनो ये क्या होता है जी, नियर मनी क्या होता है, आपके सिलेबस में है नहीं ये, बट फिर भी स्टिल हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो भाई नियर मनी क्या होता है, पर ऐसा मनी जिसको शॉर्ट टर्म मीन्स कम समय के अंदर हम कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते, हम उसको कम समय के अंदर कैश में, हम उसको एन कैश मीन्स कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, उसको बच्चों बोलते हैं नियर मनी। क्या लिखा है, नियर मनी इज द मनी, नियर मनी वो मनी होता है विच कैन नॉट बी एन कैश्ड एट अ शॉर्ट नोटिस ऑफ डिमांड। ये थोड़ी कि आपने आज बोला कल मिल जाएगा पैसा, आप उसको शॉर्ट नोटिस में कम समय में या जब चाहो तब डिमांड करा पर मांगने पर आप उसको कैन नॉट बी एन कैश, आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं नियर मनी। देखो नियर का मतलब, एक मिनट, नियर का मतलब क्या है, नियर का मतलब होता है पास, पास मीन्स बिल्कुल पास नहीं, हमारे जो आस पास है, एक होता है बिल्कुल पास, पास मीन्स क्लोज, बेटा वो वाला क्लोज नहीं, नियर की बात हो रही है। और नियर का मतलब हमारे आसपास हल्का सा दूर है, हम अपने एड्रेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, एड्रेस के लिए यूज करते हैं, हम बोलते हैं सिट नियर मी, मेरे पास बैठो, एक होता है सिट क्लोज टू मी, तो वो क्लोज तो बेटा चिपक के बैठना होता है, हम बोले सिट नियर टू मी, नियर मीन्स आसपास बैठो, समझ में आ रहा है। तो नियर का मतलब ये होता है कि नियर मनी मीन्स मनी जैसा है लेकिन बिल्कुल मनी नहीं है, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, मनी जैसा है लेकिन बिल्कुल मनी नहीं है, मनी जैसा है कि आप बोलोगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं मनी जैसा हूं आप बोलोगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाऊंगा, लेकिन आप बोलोगे ना अभी तो अभी कन्वर्ट नहीं होऊंगा, कुछ समय लगेगा मेरे को हां करने के लिए, होता ना समय लगता है हां ना करने के लिए, तो कुछ समय लगेगा मेरे को हां करने के लिए और कुछ समय बाद में हो जाऊंगा आपका कैश में कन्वर्ट, तो उसको बच्चों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नियर मनी, इसको बच्चों बोलते हैं निकट मुद्रा। तो नियर मनी वो मनी होता है जिसको हम लोग शॉर्ट नोटिस में कम समय में या डिमांड, जब भी डिमांड करो तभी हम उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि बैंक में कराई गई एफडी, बैंक में कराई गई एफडी, बेटा हम जो बैंकों में एफडी करवाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं, हम उसको बेटा जब चाहे तब नहीं निकाल सकते, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद निकाल पाते हैं, जैसे कि बच्चों टर्म डिपॉजिट वही एफडी हो गया आपका, एलआईसी पॉलिसी, अगर आपको पता ना हो तो बता दूं एलआईसी पॉलिसी के अंदर भी पर मंथ पैसा जमा होता है जो कि आप एक सर्टेन टाइम के बाद उस पैसे को निकाल सकते हो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप जानते हो कि जब बेचने वाला सेल करने वाले के पास कैश नहीं होता तो खरीदने वाला जो है बिल ऑफ एक्सचेंज थमा देता है कि भैया अरे मेरे पास पैसा नहीं है, आप इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ले लो, और कुछ टाइम बाद आप जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक में जाकर पैसा निकाल लेते हो। तो ये भी क्या होता है एक प्रकार का बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्स वाले बच्चों को पता होगा क्या होता है, आर्ट्स वाले बच्चों को नहीं पता होगा, डोंट वरी आर्ट्स वाले बच्चों, अगली वीडियो में जब मैं बैंक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। अभी आप टेंशन मत लो, आर्ट्स वाले बच्चों बताऊंगा आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। ट्रेजरी बिल ये तो दोनों नहीं जानते, कॉमर्स वाले क्या आर्ट्स वाले क्या दोनों नहीं जानते ट्रेजरी बिल क्या होता है। सुन लो क्या होता है, गवर्नमेंट करती क्या है, गवर्नमेंट जनता से पब्लिक से पैसा उधार लेती है। अरे तो है नहीं कि गवर्नमेंट जो अनाउंसमेंट करेगी कि भैया मेरे को पैसा उधार दो, नहीं गवर्नमेंट अनाउंसमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट बैंकों के माध्यम से ट्रेजरी बिल इशू करती है। ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये एक प्रकार का मान लो कि पब्लिक के पास सर्टिफिकेट जाएगा और इसके बदले पब्लिक हमको देगी पैसा, ठीक है। ये होता है 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 90 दिन के लिए और 120 दिन के लिए, ये इन गैप में होता है, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है कि 30 दिन तक सर्टिफिकेट रखो और हमको पैसा दो, और 30 दिन बाद सर्टिफिकेट दे देना और पैसा अपना ले लेना विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये भी होता है कि कुछ लोग जो है अपने पैसे को गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करवाते हैं और जब 30 दिन पूरे हो जाएगा तभी पैसा मिल पाएगा, तो तुरंत नहीं मिल पाएगा। तो ये भी होता है इसके अंदर कि हम ट्रेजरीज के अंदर, गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स के अंदर पैसों को जमा करते हैं और जब टाइम होगा तभी पैसा मिलेगा, इट मीन्स है तो वो भी कैश, लेकिन जब चाहो तब नहीं मिल पाएगा, 30 दिन या 60 दिन पूरे होने के बाद ही मिलेगा, तो भी क्या हो गया, नियर मनी हो गया। डिबेंचर्स होते हैं,
कि हमने डिबेंचर ले रखे हैं, हम उसको जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कि जब चाहे तब उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ टाइम बाद ही पैसा मिलेगा हम लोगों को, तो इनको बोलते हैं नियर मनी। बट हम लोग इनको जो क्वासी मनी बोल सकते हैं, हिंदी में उसको अर्ध मुद्रा भी कहते हैं। तो दोनों ईजी है, बैंक मनी वो मनी है जिसको जब चाहो डिमांड करो निकाल लो, जबकि नियर मनी वो मनी है कि जब चाहोगे डिमांड करोगे तब नहीं निकाल पाओगे। तो दोनों अपोजिट है, बैंक मनी वो मनी जो हमारी डिमांड डिपॉजिट है, जब मन करा तब बैंक गए पैसा निकाल के लिया है डिमांड डिपॉजिट, और नियर मनी जब मन करा तब नहीं मिलेगा आपको, कुछ समय बाद मिलेगा आपको, शॉर्ट नोटिस पे या डिमांड करने पर प्राप्त नहीं हो सकता, उसको बोला गया है नियर मनी निकट मुद्रा। समय में आ गया। तो ये तो हो गए आपके दो एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल मीन्स दो टाइप, और बैंक मनी क्या होता है और नियर मनी क्या होता है। समझ में आ गया भैया? अच्छे से आ गया? ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं आगे की ओर बच्चों, अगले टाइप की ओर। हाँ जी बेटा, बढ़ते आगे। छह टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आखिर के दो टाइप है, इनको पढ़ते और अपने चैप्टर को, यस मनी को समाप्त करते हैं। इसके बाद देखो, मनी समाप्त हो रहा है, चैप्टर फिनिश हो रहा है, यूनिट फिनिश नहीं हो रही नलायको, यूनिट फिनिश नहीं हो रही, ओनली चैप्टर फिनिश हो रहा है। ठीक, इसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 5 आपकी बुक्स के अनुसार, अगर आपके पास TR जैन है या आपके पास कोई और बुक है तो TR जैन के अनुसार चैप्टर नंबर 5 शुरू हो जाएगा। इससे पहले चैप्टर नंबर 4 हम लोग कर चुके हैं, कौन कौन सा, चैप्टर 1, 2, 3 तो नेशनल इनकम का था, चैप्टर 4 मनी, और चैप्टर 5 हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, जिसका नाम होगा बैंकिंग, जो यूनिट नंबर 2 का ही पार्ट है। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं मेरे नालायको, मेरे प्यारे बच्चों। देखो भाई, एक होता है लीगल टेंडर मनी, ठीक है, लीगल टेंडर मनी विधि ग्राह मुद्रा, अब जो एक होता है नॉन लीगल टेंडर मनी गैर विधि ग्राह मुद्रा। ये वर्ड आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना तो एक काम करता हूं, मैं पहले इस वर्ड को सुनाता हूं, ठीक है, मैं बुलाता हूं मोदी जी को कि मोदी जी आएंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए मोदी जी, और इस वर्ड को जो सुनाई है कि क्या आपने इस वर्ड का भी यूज किया है क्या, देखिए। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। तो बेटा आप लोगों ने देखा कि उन्होंने भी लीगल टेंडर मनी वर्ड का यूज करा, 500 1000 के नोट के लिए उन्होंने भी एक वर्ड बोला लीगल टेंडर मनी। सुनो भाई, ये होता क्या आप जान लो, आप अब आपको सुन के चल गया होगा वैसे पता, लेकिन फिर भी जान लो। देखो भाई, लीगल टेंडर मनी बच्चों वो मनी होता है, लीगल टेंडर मनी वो मनी होता है जिसको हम लीगली, क्या बोला मैंने, जिसको हम लीगली यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लीगली यूज कर सकते हैं अपनी पेमेंट के लिए, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी, मनी विच कैन बी यूज्ड, बेटा क्या क्या पढ़ो, लीगली, लीगली मनी विच कैन बी यूज्ड लीगली टू मेक पेमेंट ऑफ डेट्स और अदर ऑब्लिगेशन इज टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। इसका मतलब क्या है, देखो लीगली का मतलब है कि सरकार बोलती है कि आप इन पैसों में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, अगर आपके ऊपर कोई डेट है, कोई उधार ले रखा है या कोई अदर ऑब्लिगेशन है, किसी को पैसे देने में कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर, इट मींस अगर पैसे का लेन देन करना है तो आप लीगली कानूनी रूप से इनको यूज में ला सकते हो, अगर आप, अगर कोई बंदा इनको स्वीकार करने से मना करता है तो उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। और आप जानते हो ऐसा मैंने भी आपको पढ़ाया है भाई साहब, फैट मनी सबसे पहला पार्ट,
सबसे मनी का पहला वाला कि जो भी गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किए गए नोट्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किए गए कॉइन्स होते हैं, तो गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किए गए नोट्स, गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किए गए कॉइन को हम लोग लीगली पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, एंड नो वन कैन रिफ्यूज इट। भाई साहब कोई भी बंदा उसको लेने से मना नहीं कर सकता। भैया क्यों नहीं कर सकता? सरकार ने बोला हुआ है कि इसको लेने से मना किया तो हम खेल खेल लेंगे। मीन्स इसको लेने से मना किया तो आपके ऊपर केस हो सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट ने इशू करे। अगर आप गवर्नमेंट के द्वारा छापे गए नोट को नहीं लोगे तो आपके ऊपर केस हो सकता है, आपको रपटा पड़ सकता है। तो ऐसा मनी जिसको लीगली, अब भाई सिंपल सी बात है, 1000 के नोट, 500 का नोट, जितने भी नोट है, जितने भी कॉइन्स है, उनको लीगली पेमेंट के लिए हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो वही तो बोल रहा है कि ऐसे नोट, नोट मीन्स ऐसा मनी जिसको लीगली किसी भी प्रकार की पेमेंट के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, उसको बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। कुछ नहीं है। आप इसको चाहो तो फियाट मनी भी बोल सकते हो। सेम वही चीज है, बस नाम अलग हो गए। हम लीगल टेंडर मनी को फियाट मनी भी बोल सकते हैं, बस थोड़ी डेफिनेशन में चेंज आ गया, थोड़े शब्दों में चेंज आ गया, बाकी बात वही है। हम इसको आदेश मुद्रा भी बोल सकते हैं। तो वो मनी जिसको हम लोग किसी प्रकार की पेमेंट लीगली, बार बार एक वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, लीगली जिसको यूज कर सकते हैं किसी प्रकार की पेमेंट के लिए, उसको बोला गया है लीगल टेंडर मनी। ठीक है, इनमें क्या क्या आएगा याद रखना। इनमें एक तो बच्चों आपके कॉइन्स आते हैं और एक आपके नोट्स, बस ये दो चीज आती है लीगल टेंडर मनी में। एक तो आपके कॉइन्स सिक्के आते हैं, एक आपके नोट, बिकॉज गवर्नमेंट बोलती है कि भैया हमने तो बस दो चीज की परमिशन दी है। सरकार क्या बोलती है? सरकार बोलती है कि हमने तो केवल दो चीज की परमिशन दी है कि आप केवल दो चीज को ही पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, एक तो कॉइन्स को और एक नोट को। गवर्नमेंट बोलती है इस बात को, तो हम तो सिर्फ कॉइन्स और नोट्स को ही क्या बोलेंगे? लीगल टेंडर मनी बोलेंगे। कि आपने, इसको बोलते हैं विधि ग्राह मुद्रा, कि आपने किसे पैसा लिया है तो गवर्नमेंट बोलती है लीगली आप उसको नोट्स में, कॉइन्स में पेमेंट कर सकते हो। सामने वाला बंदा मना करे तो उसके खिलाफ आप केस भी कर सकते हो कि तू मना क्यों कर रहा है, जब गवर्नमेंट ने नोट छाप दिए, जब गवर्नमेंट ने कॉइन इशू कर दिए, तो तू मना करने वाला होता कौन है? समझ में आ रहा है ना? इसको बोला गया लीगल टेंडर मनी। लेकिन फिर इसके भी दो टाइप है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब इन टाइप्स को लाया क्यों गया, पहले बात सुनो। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है सीमित विधिग्रह मुद्रा, एक होता है असीमित विधिग्रह मुद्रा। मैंने लाया क्यों गया तो ये भी सुन लो। अब भाई जब सरकार ने बोल दिया कि भाई साहब आप कॉइन्स में और नोट्स में किसी भी प्रकार की पेमेंट कर सकते हो, तो मैंने खेल खेल दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट शॉक और प्रथम भैया रॉक। मैंने खेल खेल दिया, उसमें क्या हुआ बच्चों, मेरे को एक को पेमेंट करनी थी पांच लाख रुपए की, तो मैंने क्या करा भाई साहब, दस दस के, सुनना बहुत ध्यान से, दस दस के 50,000 सिक्के पेमेंट कर दिए। अब सोचो जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूं, अब भैया वो तो मना भी नहीं सकता। अगर वो मना करेगा कि नहीं सिक्के नहीं लूंगा, तो क्या बोलूंगा, ओए मना मत करियो, लीगल टेंडर मनी है ये, और लीगल टेंडर मनी को मना करेगा ना तो तेरे ऊपर केस कर सकता हूं कि तूने गवर्नमेंट के मनी को मना कर दिया, हाँ तूने सरकार के मनी को मना कर दिया। तो वही वाली बात, गवर्नमेंट शॉक, अब गवर्नमेंट का सामने वाला बंदा भी शॉक, और प्रथम सिंह रॉक। तो हुआ यही कि मैंने जो है क्या कर दी, पेमेंट कर दी। अब ऐसे तो भैया वो उसने सिक्के गिनने में दशम लगा दिए कि 50,000 सिक्के मैं कैसे गिनूंगा, लेकिन बात तो थी। तो गवर्नमेंट ने बोला यार ये तो फिर लोग गलत कर रहे हैं। मेरे को देखते हुए गवर्नमेंट ने मुंह बना लिया कि एक तरफ मैं और एक तरफ हमारी गवर्नमेंट। तो मेरे को देखते हुए गवर्नमेंट ने मुंह बना लिया कि यार ये तो लोग गलत कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो अब इसके दो टाइप निकालते हैं, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, एक होता है अनलिमिटेड। देखो गवर्नमेंट ने बोला, सरकार ने बोला कि भाई
लीगल टेंडर मनी दो है हमारे पास, एक तो कॉइन्स है और एक नोट है। मैं चाहता तो मैं नोट के अंदर भी तो पेमेंट कर सकता था, उसको गिनने में आसानी होती। मैं सिक्के भेजी तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो भाई कॉइन्स को, गवर्नमेंट बोला जितने भी कॉइन्स है हम उसको बोलते हैं कि इंडिया में जितने भी कॉइन्स है उनको बोलेगा लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। इट मीन्स एक लिमिट तक ही, एक सीमा तक ही ये लीगल है। क्या कहना चाह रहा भैया? मैं कहना चाह रहा हूं गवर्नमेंट ने बोल दिया एक लिमिट तक ही, एक लीगल, लीगल मीन्स एक लिमिट तक ही सामने वाला पर्सन इसको एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, और ये लिमिट तय करेगा सामने वाला पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अगर सामने वाला पर्सन बोलता है कि भाई तुम 5 लाख की पेमेंट करोगे लेकिन मैं केवल 10,000 रुपए तक इसे लूंगा, वो सामने वाला बंदा 10,000 बोले, 2,000 बोले, 1,000 बोले, उसकी हेडेक है कि भैया मैं 1,000 तक ही सिक्के एक्सेप्ट करूंगा या मैं 10,000 तक सिक्के एक्सेप्ट करूंगा, तो उसके बाद आप उस सिक्के देना चाहोगे भी ना और वो मना करेगा, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, तब आप केस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, सरकार ने बोल दिया कि कॉइन्स क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, कि कॉइन्स एक लिमिट तक ही सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, उसके बाद वो चाहे तो कॉइन को लेने से मना कर सकता है और उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। क्योंकि ऐसे तो सारे बंदे जो है अपने सिक्के निकालने के लिए सिक्के के अंदर पेमेंट करेंगे, और अगर सामने वाला बंदा मना करेगा तो ऐसे वाले केस में तो उसके ऊपर केस हो सकता है, उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। समय में आ गया? तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। याद रखना ये आपके लिए कब काम आएगा, ये आपके लिए तब काम आएगा कि आप बैंक में जा रहे हो। कभी होते हैं बैंक वाले खड़ूस टाइप होते हैं, आप बैंक में गए, आप 10-10 के नोट ले गए, बहुत सारे पैसे इसको बैंक में, अब वो क्या बोलेगा इतने नोट कहां से लिया है, मैं जमा नहीं कर रहा, कल आइयो परसों आइयो। तो आप उसको इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हो कि भाई अगर तुम मना कर रहे हो ना तो याद रखो ये नोट है, नोट क्या होते हैं एक प्रकार के अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। नोट्स में जितनी पेमेंट करनी है करो, सामने वाला अनलिमिटेड लिखा ना अनलिमिटेड, इसमें जितनी पेमेंट करनी है करो, सामने वाला बंदा मना नहीं कर सकता। अगर वो नोट के अंदर मना करेगा, अबे तो क्या सोना लाके दूं, तो क्या गोल्ड लाके दूं, मकान बेच दूं अपना, अबे नोट के अंदर पेमेंट नहीं लेगा तो किसे पेमेंट दूं मैं। समय में आ गया? क्योंकि तो सरकार के द्वारा दो ही मनी, सरकार के अकॉर्डिंग दो ही मनी लीगल है, एक तो कॉइन्स जो गवर्नमेंट इशू करे और एक नोट जो गवर्नमेंट इशू करे। कॉइन्स की पेमेंट एक लिमिट तक करी जाती है, इसको क्या बोला गया लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। उस लिमिट के बाद सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है, उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। लेकिन जो नोट है वो अनलिमिटेड है, नोट में तो मेरा जितना मन करेगा मैं उतनी पेमेंट दूंगा, सामने वाला बंदा अगर मना भी करेगा ना मैं तब भी नहीं मानने वाला, क्योंकि नोट क्या होते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। नोट में तो जितनी पेमेंट करनी है करो, अगर सामने वाले बंदे ने मना करा तो मैं चाहूं तो उसके खिलाफ केस कर सकता हूं कि सरकार अब तो मैं नोट दे रहा हूं, सिक्के होते तो मानता कि सिक्के ने एक लिमिट तक लिए उसके ऊपर मैं दे रहा हूं तो मेरे ऊपर तो होता, तो मैं केस नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूं कि सिक्के क्या है एक लिमिट तक ही पे होते। लेकिन सरकार तो नोट आ गए, नोट तो जितने मर्जी चाहूं उतने मर्जी दूंगा, अब तो ये बंदे मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं नोट दे रहा हूं, नोट क्या है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। इट मीन्स क्या, इसको किसी भी लिमिट तक पेमेंट के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो लीगल टेंडर मनी वो मनी जो गवर्नमेंट ने शुरू करा, सिंपल सी बात, इसको हम लोग किसी प्रकार की पेमेंट के लिए लीगली कानूनी रूप से यूज में ला सकते हैं। इसमें दो बातें आती है, एक लिमिटेड जो कि इंडिया में क्या है कॉइंस, ये बात इंडिया की हो रही याद रखना, क्या पता इंडिया के बाहर नोट कॉइंस अलग अलग होते हैं ना तो उनकी अलग अलग लिमिट होगा करेगी। तो इंडिया में जितने भी कॉइंस है उन्हें क्या बोला गया है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, कि इसको आप एक लिमिट तक यूज कर सकते हो पेमेंट के लिए, उसके बाद यूज नहीं कर सकते। जबकि नोट हो गया बोला गया है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, असीमित विधिग्रह मुद्रा, कि इसको तो कितनी भी पेमेंट के लिए यूज में करो। ओके, ये हो गया सातवां प्रकार। एक होता है आठवां प्रकार, अब ये क्या है नॉन लीगल टेंडर मनी। हिंदी में लिखो बच्चों, उसको लिखा नहीं यहां पे, हिंदी में लिखो विधिग्रह मुद्रा था ना, लिखो गैर विधिग्रह मुद्रा, गैर विधिग्रह मुद्रा, नॉन लीगल टेंडर मनी। ये वो मनी है जो कि गवर्नमेंट ने इशू नहीं करा, ये वो मनी है जिसके लिए गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमने इशू नहीं करा, अब आपकी इच्छा है इसको एक्सेप्ट करो या ना करो। एक प्रकार का जो आपको पढ़ाया था मैंने सेकंड वाला फिड्यूशरी मनी, याद करो न्यास मुद्रा कि जो पेयर और पेई के बीच एक ट्रस्ट पर बेस है, ऐसे ही क्या होता है नॉन लीगल टेंडर मनी। लिखा भी है इट रिफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी Which is generally accepted as a medium of exchange, जिसको हम generally accept कर सकते हैं, लेकिन but legally, कानूनी रूप से person is not bound to accept it, person बंधा हुआ नहीं है कि
कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहां पे कहते यहां पे तो भाई बंधा हुआ था कि अगर कॉइन्स और नोट मना करेगा तो आप जानते हो उसके खिलाफ केस हो सकता है, कोई गवर्नमेंट द्वारा छापे गए मनी को आप मना कर रहे हो। लेकिन यहां पे क्या है कि पर्सन लीगली पर्सन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट, पर्सन बंधा हुआ नहीं है, पर्सन बाध्य नहीं है कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? जैसे कि चेक, अब वही एग्जांपल याद करो, क्या जरूरी है मैं चेक लूंगा जब मैं सामने वाले बंदे को जानता ही नहीं, मैं चेक नहीं लूंगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब मैं सामने वाले बंदे को जानता ही नहीं तब मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं लूंगा। तो इसको क्या बोलेगा? इसको बोलेगा नॉन, बिकॉज लीगल नहीं। लीगल मीन्स इसको गवर्नमेंट इशू नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट बोलती है हमने इशू नहीं करा ना, तो आपकी इच्छा है लो या ना लो। अगर हम इशू करते तो आपको लेना पड़ता, ये हमने इशू नहीं करा तो आपकी इच्छा है लो या ना लो। इसको क्या बोला गया? नॉन लीगल टेंडर मनी। लिखा भी है फॉर एग्जाम्पल चेक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, डू नॉट हैव लीगल प्रेशर एंड देयर एक्सेप्टेंस इज टोटली ऑप्शनल, कि इनका कोई प्रेशर नहीं। सरकार ये नहीं बोलती कि सामने वाला बंदा चेक दे तो लेना ही पड़ेगा, अगर चेक नहीं लोगे तो तुम्हें जेल डाल देगा। सरकार ये नहीं बोलती कि चेक लेना पड़ेगा, सरकार ये नहीं बोलती कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेना पड़ेगा। आपकी अपनी खुद की इच्छा होती है कि अगर मैं सामने वाले बंदे को जानता हूं तो मैं चेक ले लूंगा, मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लूंगा, अदरवाइज मैं ना चेक लूंगा ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज लूंगा। ये सामने वाले की खुद की अपनी इच्छा होती है चेक लेने की, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेने की। इसलिए क्या बोला गया इसको? नॉन लीगल टेंडर मनी, बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको जारी नहीं किया, बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको इश्यू नहीं किया। स्वयं आ गया, लिखा भी तो इसकी एक्सेप्टेंस क्या है? टोटली ऑप्शनल, पूरी ऐच्छिक होती है, ठीक है ना, संपूर्णतः ऐच्छिक है कि मेरा मन मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं। इसलिए इसको बच्चों क्या बोला गया? इसलिए इसको बोला गया है नॉन लीगल टेंडर मनी। समय में आ गया? बोलो जी, समय में आया कि नहीं आया? समय में आ गया होगा, नोट कर लो, जल्दी कर लो। कर लिया? बड़ी जल्दी कर लिया यार, तुम तो साथ साथ नोट करते हो। चलो भाई, तो नोट किया आप लोगों ने? ओके बेटा, तो यहां पे मनी वाला पोर्शन पूरा होता है, फिनिश, मनी वाली कहानी पूरी होती है, खत्म। अगली क्लास में आऊंगा, हाँ अगली क्लास में आऊंगा एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम होगा बैंकिंग। तो ओके, थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगले बैच में। जब तक मैं ना मिलूं, दुआओं में याद रखना।